अगर मेरे स्कूल का मैनेजमेंट ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों ने ये जो बच्चों को बाइक लाने को मना किया है ना, देख लो कितनी दिक्कतें होती है। सजना जी मैंनु छड़ के नहीं जाना कभी। सो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो मैं पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम भाई बहुत जल्दी जल्दी में तैयार हो रहा था। एक्चुअली हमें जाना है एक मुंडन की पार्टी में, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था पहने क्या। और जब मेरे को कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो मैं ये वाली टी शर्ट डाल लेता हूँ एंड अपना ये वाला जो लाइट ब्लू कलर का जॉगर है ये डाल लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सही लगता है, लुक सिंपल लुक। तो एक बाइक तो जा चुकी है जिसपे मामा गए हुए हैं, मामी गई, गुनगुन गई, और एक पे हम जा रहे हैं, छोटू वाला जा रहे हैं, मम्मी जा रही है, और अभी मौसी भी जाएंगी। बैठ नहीं पा रही, बैठो। एक्चुअली यार इस बाइक पे तीन लोग तो बिल्कुल नहीं बैठ पाते, ज्यादा दूर नहीं, बस थोड़ा ही दूर पर बैठ जाए, बैठ ही नहीं पाएंगे। तो जैसे हम लोग थोड़ा आगे निकले तो देखो हमें मामा मामी और गुनगुन भी मिल चुके हैं, वो आगे बाइक पे चल रहे हैं और हमारी बाइक ये पीछे चल रही है इनके। एक तो इधर यार रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी है, हरदोई के आउटर एरिया में है ना यार उनका घर। हम तो पहुंच गए जहाँ पे है मुंडन यहाँ पे, और ये लोग फिर से जा रहे हैं मौसी और बासु आदा को लेने के लिए। तो भाई मामा और इन लोगों को जाए हुए 15 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं एंड मैं ना यहीं पे तब से बाहर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि जब तक वो लोग आने जाते हैं तब तक मैं व्लॉग एडिट कर लेता हूँ। ऑलमोस्टली पूरा व्लॉग एडिट कर दिया सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में, मतलब पूरा एक जो व्लॉग होता है वो एडिट हो गया। अभी साउंडिंग करनी बची है, तो आज अपना व्लॉग 9:30 बजे तक आ जाएगा। 8 बजा और मेरा व्लॉग भी समझ लो पूरा एडिट हो गया, बस सिर्फ और सिर्फ साउंडिंग बची है। और ये देखो ये लोग भी आ गए, छोटू दादा, मौसी और कौन है, और बासु आदा। हाँ और भाई आ गए, आप लोगों का इंतजार कर रहे थे, अंदर नहीं गया पता, इतने में हमने पूरा व्लॉग एडिट कर लिया यहीं पे। यहाँ पे मच्छर बड़े मस्त लग रहे हैं यार, सब मेरे पैरों में यहाँ पे मच्छरों ने काटा है खूब ज्यादा। तो यार फाइनली हम लोग ना वहाँ पे खाना पीना खा चुके हैं और हम छोटू दादा बासु आदा वापस घर जा रहे हैं, एंड अभी सारे लेडीज लोग वहीं हैं, बिकॉज अभी लोगों ने नहीं खाना खाया है। हम लोग जल्दी निकल गए क्योंकि मेरे को व्लॉग अपलोड करना है, वैसे भी टाइम हो चुका है 8:40। भाई सीधे घर आने के बाद व्लॉग रेंडरिंग पे लगाया, अपलोड कर दिया एंड 9:45 पे व्लॉग अपलोड हो गया। एंड एक काफी बड़ी दिक्कत हो गई, आज बड़ी जल्दी जल्दी में एडिट किया था ना व्लॉग, तो उसमें ना कई कई जगह पे साउंड म्यूट करके वॉइस ओवर किया था एंड बाद में मैंने साउंड बढ़ा दिया, तो उसमें वहाँ का भी साउंड आया है जो था वीडियो का, और जो वॉइस ओवर किया तो वो भी, मतलब 15-20 मिनट में जब व्लॉग एडिट करो ना तो ऐसे चीज़ हो जाती है। मतलब पहले से ही किया था लेकिन आखिरी में एक क्लिप की बढ़ाने के चक्कर में मैंने ऑल पे अप्लाई कर दिया तो सबका साउंड बढ़ गया, तो बस ये चीज़ ख़राब हो गई। और कल वाले व्लॉग में मैंने बहुत ज्ञान दिया था ट्विटर के ऊपर कि ट्विटर भाई एलन मस्क खरीद सकते हैं, लेकिन अब फाइनल हो गया है, उन्होंने खरीद लिया, बस अब पेमेंट करना बचा है तो अब एलन मस्क का हो चुका है ट्विटर ऑलरेडी। और शाम तक तो भाई ट्विटर का शेयर भाग रहा था, लेकिन अभी भयंकर वाला गिर गया है, 3 या 4% की गिरावट आई है, और अब शायद गिरेगा ही, बिकॉज अब तो प्राइवेट कंपनी हो गई है ना ट्विटर। मेरे को लगा था भगेगा, लेकिन बाद में सोचा अब तो वो प्राइवेट हो गई तो अब तो गिरेगा, अब तो मतलब सारे उसके वो एलन मस्क ही खरीद लेंगे ना। सो गाइस इट्स 12 PM यानी कि 27 तारीख चालू हो चुकी है, एंड ठीक एक साल पहले यानी कि 26 तारीख की रात में, मतलब 12 बज चुका था, 27 तारीख चालू हो गई थी, और इसी जगह पे जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ये जो दो जीने बने हुए यहाँ पे बैठा था, और मैंने अपने व्लॉगिंग के करियर की स्टार्टिंग करी थी यहीं पे बैठ के। मैंने कुछ शूट किया था जो हमारे फर्स्ट व्लॉग में सबसे पहला शॉट है, तो भाई वो दिन याद आ गया भाई, तब यहाँ पे पीछे चांद निकला था, तो उसमें चांद भी आया, वाली क्लिप है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। Guys, what is up? तो आज है 26 तारीख, रात के 12:30 बज चुके हैं, यानी कि 27 तारीख हो चुकी है आज। तो सोचा क्या बोलूँ यार, फर्स्ट व्लॉग है तो समझ नहीं आ रहा बोलूँ क्या। तो भैया की शादी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने नए व्लॉग चैनल की शुरुआत भी कर दी जाए। तो पहला व्लॉग जो होगा हमारी भाई की शादी का होगा, तो अभी तो रात के 12:30 बज रहे हैं, आज से सब काम शुरू हो चुका है, ढोलक वोलक बजने वाला, और इस समय क्वालिटी थोड़ी साफ नहीं आ रही है क्योंकि रात में अब मैं सिर्फ एक ही बल्ब के सहारे बैठा हुआ, तो अभी तो हम लोग सोने जा रहे हैं, उसके बाद कल सुबह से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुड नाइट गाइस। तो यार मतलब देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं मतलब इसे देख रहा हूँ ना, मेरे से मेरी हंसी नहीं कंट्रोल हो रही है, पर भाई वो भी क्या दिन थे यार, कुछ नहीं आता जाता था, बस लग लिए थे, बस चालू कर दिया था भगवान का नाम लेके। यार मेरे को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि एक साल पूरा, मतलब एक साल हो गया मेरे को व्लॉगिंग करते हुए, हमारी डेली व्लॉगिंग को बस कुछ 20-25 दिन बचे हुए, मतलब मैं एक साल से डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ भाई, इतनी लाइफ कब बदल गई कुछ नहीं पता चल रहा मेरे को मेरे को तो बस यार सब कुछ सपना ही लग रहा है अभी भी, एंड मैं अभी अब फिलहाल सोने जा रहा हूँ, नींद आएगी नहीं पर हाँ लेट जाऊँगा जाके, सब यही सब सोचता रहूँगा मैं, इतना ज़्यादा एक्साइटेड, इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना मैं आपको बता नहीं सकता। कल सुबह मेरे को 5:30 बजे उठना भी है, स्कूल भी जाना है, स्कूल हमारा 7:30 बजे का हो गया है जो कि यहाँ से बहुत दूर है, बाइक शायद नहीं ले जाएंगे बिकॉज बाइक स्कूल वालों ने मना कर रखी है, वो हम देखते हैं, अगर भैया लेट होगा तो बाइक से जाना पड़ेगा क्योंकि ऑटो मिलते नहीं है,
फिलहाल चल के सो जाते हैं, चल के भाई आज नींद नहीं आएगी आज तो भाई, सब वही अपना जो पास्ट में गया है ना वही सब रिकैप होगा मेरे माइंड में। वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी बजने जा रहा है पूरा स्टार्ट, एंड आज आपके कनिष्क भैया उठ गए थे 5:20 में, तो अभी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हमारा स्कूल जो है शायद 7:30 का है, 7:45 का, पता नहीं, बस हम निकलने वाले हैं। और आज भाई बाइक तो लेने जा रहे हैं बिकॉज स्कूल वालों ने मना कर रखा है बाइक लाने को, तो ऑटो से ही जा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो है अभी भी बाइक लाते हैं, वो थोड़ा मतलब पेट्रोल पंप पड़ते हैं ना स्कूल के पास, तो वहीं पे खड़ी कर देते हैं, पर मेरे को कुछ पता है नहीं, तभी तो आज जाके देख लूंगा अगर बाइक लाने वाला सिस्टम होगा तो मैं बाइक ले जाया करूंगा। बिकॉज यार ऐसे ऑटो से बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ से जाने में स्कूल ना समझ लो 30 से 45 मिनट लगता है, उधर से तो भाई ऑटो ही नहीं मिलते, बहुत कम रेयरली ऑटो मिलते हैं, वरना खड़े होना पड़ता है 20-25 मिनट ऐसी धूप में। और अंदर मस्त हंसी मजाक चल रहा है बिकॉज आज ना छोटू दादा वापस जा रहे हैं लखीमपुर खीरी, एंड मौसी कुछ दिन अभी रुकेंगे, मौसी कुछ दिन वो बात जाएंगे, पर छोटू वाला चले जाएंगे। तो चलो सबसे पहले अपना बैग पैक करते हैं, निकलते हैं स्कूल के लिए। तो बैग अपना ये छोटू वाला हमारे साथ जाएगा, और टिफिन जाएगा, और एक ये खाली कॉपी जाएगी, एक पेन जाएगा, और ये अपने 4 स्टिकर। बिकॉज स्कूल से बच्चों के जो थे बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया स्कूल आ जाओ, भैया स्कूल में स्टिकर दे दो। अब मेरे को तो पता भी नहीं किनको स्टिकर चाहिए, पर मैं लिए जा रहा हूँ, जिनको भी चाहिए हो अगर स्कूल आए हों तो ले लेना, और क्या बताए। सजना जी तेरे बिना दिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीर साथ मांगे गेरो। बैग टांग लिया है, चलो चलते हैं। बेचारी अपनी बाइक को तो नहीं ले जा सकते, ये क्या है, ये इसके ऊपर पूड़ी कहाँ रखी है? अच्छा ये गाय की पूड़ी, तो मतलब कोई जगह ही नहीं मिली बाइक के ऊपर रख दी। यार मेरे को ना स्कूल की बॉटल भी ले जानी, बट ये ना मेरा छोटा बैग है तो इसमें जो है बॉटल तो जा नहीं पाएगी, मेरा बड़ा वाला बैग जो है फट चुका है, उसे गुनगुन ले जाती थी। और पता है मेरे शूज़ भी देखो यहाँ से फट गए, कल मैं शूज़ लेने के लिए गया था बट उन्होंने कह दिया भैया आज दुकान जो है बंद हो चुकी है, कल लेना। तो कल आज मेरे को शूज़ भी लेने स्कूल के, एक स्कूल की हाफ शर्ट भी लेनी है, और जहाँ तक देखो एक बैग भी लेना है, जिससे कि हम ये बॉटल ले जा पाए, बॉटल ले जाने की जगह ही नहीं है, क्या करें भैया। 7:13 हो गया, कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, और अब सबसे मुश्किल काम है ऑटो ढूंढना। ऑटो ढूंढते हैं, चलो एक ऑटो आ रहा है, चलो देखते हैं ये ऑटो ले चलेगा नहीं ले चलेगा, जहाँ तक ले ही चलेगा, 3-4 ऑटो वैसे भी निकल चुके हैं यार यहाँ से। इतनी ज्यादा जिंदगी खराब हो रखी है कि क्या बताएं, अच्छा खासा ऑटो में जा रहे थे, जाम लग गई, ऑटो वाले ने उतार दिया, बोला भैया दूसरे ऑटो में चले जाओ, ना जाने कहां से कितनी लंबी जाम लगी हुई है। अब आगे चल के जाम के आगे जब जाएंगे तब कोई ऑटो ढूंढेंगे उसमें बैठेंगे। जाम खत्म हो गई लेकिन अब पीछे से जब कोई ऑटो आएगा तब उसको करेंगे। कन्हैपुरवा हेलो जी, क्या बताएं यार, अगर मेरे स्कूल का मैनेजमेंट ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों ने ये जो बच्चों को बाइक लाने को मना किया है ना, देख लो कितनी दिक्कतें होती हैं भैया, बाइक लाना जो अलाउ कर दो, सही सही बता रहे हैं। तो हमको एक ऑटो तो मिल गया लेकिन भाई फिर से जाम लगी हुई है हमारी रोड पे, भाई पूरी चुंगी से जाम लगी हुई है 1 किलोमीटर दूर तक। फाइनली गाइस प्लीज, तो हम 1:36 में हालत खराब हो गई है, और मैं सच में अपने स्कूल के मैनेजमेंट से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मतलब इतना क्या अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हो यार, स्कूल वालों ने सिर्फ और सिर्फ बस चलवाने के लिए जो है बच्चों की बाइक बंद कर दी, बिकॉज सब बच्चे जो थे बाइक ही लाने लगे थे, उनका भाई घाटा होने लगा, तो भाई यार इतना पैसा छाप के क्या करोगे, बच्चों को बाइक लाने दो यार। खैर मेरे को जगह पता चल गई है जहाँ पे बाइक पार्क कर सकते हैं, मतलब मेरे जान पहचान वाले हैं एक्चुअली, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोलियम का, तो मैं वहाँ जब भी जाता हूँ ना अपनी टंकी फुल करा लेता हूँ, तो उनसे अपना अच्छा जान पहचान है, तो वहीं अपनी बाइक खड़ी कर दिया करेंगे, वहाँ स्कूल में काफ़ी लोग बच्चे खड़े करते हैं जो वहाँ पे पेट्रोल डलवाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल अपनी बाइक सेफ रहेगी, तो भाई अब बाइक से ही जाएंगे जब जाएंगे, वरना ऐसे तो हम जा ही नहीं पाएंगे। बात साहब इतने मेरा कतई सरदर्द होने लगता है यार। हम घर आए, हमने घर में देखा कि छोटू दादा जो थे अभी तक गए नहीं, एक्चुअली वो ना मेरा वेट कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे कि जब हम आ जाएंगे तब जाएंगे, तो अब ना वो जा रहे हैं फाइनली, अब पता नहीं दादाजी के दर्शन कब होंगे, मेरी वजह से रुके हुए थे, बताओ 2:30 बजे जा रहे, वैसे तो सुबह चले जाते हैं, जा रहे हैं। जय श्री राम, जय। अच्छा दोनों की शर्टें भी मैच हो रही हैं, वाह दोनों भाइयों ने मैचिंग शर्ट पहन रखी, ये देखो आप उतर रही हैं टीवी देख रही थी, इन्हें देखो वो जा रहे हो, ये आप उतर रही हैं टीवी देख के, इनके देखो कितनी बदतमीजी सवार है, गाना गा रहे थे। Hey guys, welcome back to the vlog. It's 6 PM in the evening. वहाँ से आने के बाद भैया छोटू दादा के साथ थोड़ी देर बैठे थे, उसका छोटू दादा चले गए लखीमपुर खीरी,
और अब हम उठे हैं, एक्चुअली हम सो गए थे। मेरे से ना भाई उठा नहीं जा रहा था भाई, बिल्कुल दम ही नहीं बची थी मेरे में। मैंने सही बता रहा, आज बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मेरे को मतलब स्कूल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत है स्कूल जाने के बाद आने से। स्कूल में बैठा रहा कोई नहीं था, मतलब स्कूल में तो खाली नींद आ रही थी भाई, जल्दी उठ गया तो नींद आई, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है जब वहां से छुट्टी हुई ना, ये जो इतना जगह जगह पे ट्रैफिक लगा था, इतना ज्यादा ये जो धूप निकली हुई थी ना भाई, घर पहुंचने में समझ लो मैं 50 मिनट तक लग गया वहां से यहाँ तक आने में। स्कूल की जैसे छुट्टी हुई थी ना, तब तो मैं 1.5 किलोमीटर तक चला, पर मेरे को कोई ऑटो ऑटो मिला ही नहीं। कहो एक लड़का जो था आखिरी में स्कूल से बाइक निकाल के आ रहा था, फ्रेंड था, तो भाई उसने लिफ्ट दे दी तो यहाँ तक सिटी के अंदर। फिर सिटी में आने के बाद ऑटो पकड़ा, एक ऑटो ने उतार दिया, जाम लगी थी, फिर दूसरे में भी जाम लगी रही, तो ऐसे बिल्कुल सरदर्द होने लगा मेरा यार। फिलहाल अभी हम उठे हैं, अपनी चाय ले आए किशन गार्डन में, तो अब चाय पियेंगे। चाय से जो होता है सारा दर्द मेरा चला जाता है। अभी बहुत मस्त दर्द हो रहा है, बल्कि मैं 1.5 घंटे सो चुका हूँ, अभी बस सो के उठा हूँ तब भी पता नहीं क्यों सर गर्म है, सर दर्द हो रहा है, आँखें भैया, मतलब एक दिन स्कूल जाने मेरी ये हालत हो रही है भाई, क्या क्या होगा क्या मेरा जिंदगी में। और हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया, आज जैसे स्कूल गए सुबह सुबह खड़ा कर दिया हमें, हमारे साथ 9 बच्चों को जो बोले स्कूल नहीं आ रहे थे भाई, खड़ा कर दिया, बस सुना दिया, कहाँ थे तुम लोग बेटा, हमने बोला मैम फीवर आ रहा था, उसके बाद में कुछ काम थे करके तभी नहीं आ पाए। अब एक बात बताएं, वो जो मैम है ना भाई बहुत डेंजर है, और उन्हें पता नहीं है मेरे चैनल के बारे में। अगर भाई उन्हें मेरे चैनल के बारे में पता चल गया ना, खत्म, टाटा, गुड बाय, गया, पूरे स्कूल को पता है, पूरा स्कूल मेरे को जानता है, बस वो एक मैम जो क्लास टीचर, उन्हें नहीं पता है। और इस बात का मतलब कि हमें बड़ा ही वो क्या बोलते हैं खुशी है कि भाई जब तक मैं स्कूल में, उनको ना पता चले तो आराम से छुट्टी तो मार लेंगे, बहाने तो दे देंगे, वरना भाई वो मेरे सारे व्लॉग देखेंगे, हम बोलेंगे मैं बुखार था यहाँ व्लॉग में, हमको ट्रैवल करना है। फिलहाल टाइम हो रहा है 7:40 एंड मैं ना व्लॉग एडिट कर रहा था, बस ये क्लिप डालनी बची है, रेंडरिंग पे लगाना बचा है। एंड मैं ना कल स्कूल नहीं आऊंगा, तो कल जो है मेरे से स्टिकर लेने के लिए मत आना, आज जितने स्टिकर ले गए थे सारे के सारे जो थे बट गए अपने। तो फिलहाल हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक करते हैं, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करते हैं। मिलेंगे आपसे जल्दी कल हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। पता नहीं क्यों मेरा माथा इतना ज़्यादा गर्म हो गया एडिटिंग करते करते, ठीक है, मिलेंगे आपसे जल्दी, बाय। छोटू भैया ओपी, किसके दुख में आप ये गाना गा रहे हैं? किसी के दुख में नहीं यार, नहीं तेरा नाम धोखा रख दूं, आवाज दोगी क्या, ये तो किसी के दुख में गाया जाएगा गाना। ये बोलो ना आगे छोटू, अब आप निगा रहे थे तो आप बड़े दुख भरे गाने गा रहे थे, क्या बोले यार, कोई गाना गाइए बढ़िया सा दुख दर्द वाला। हमको सिर्फ एक ही चीज अच्छा लगता है, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, तुमने दुखती रख पर हाक रहा था इधर, छोटू मुझसे गाना गा, वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड इट।